तू एक ईमानदारी तो नेम की बात को तू नेम करके बोला ईमानदारी तो तुम्हारा हुआ उड़ा है खोद ले बराबर में जाओगे कुएं के बीच में गली जाओगी यार बात कर रहे यार अरे फिर कुआ जी में तो बंद गली कर होगी बंद कर ऊपर लेकिन चौक है और ना किसी रोक के बता यार किसी ने रोक प्रणाली मैंने बात सुन तू कुआ खदुआ चुकुड़ते की 5 फुट माप कर फिर गली माप देख तू मेरे कान आंदे हो मेरे कान छटवाले तेरे कान आंदे हो तू छोड़ दिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ मतलोडा के सेरा गांव में और सेरा गांव का ये चौक है और इस तरफ ये तस्वीर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जमीन है कुछ जमीन का कुछ हिस्सा है कुछ टुकड़ा है जिसको लेकर के दो पक्ष सामने सामने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में है मेरे पीछे ठीक तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कुछ गांव के लोग हैं और शिकायतकर्ता भी है जिनकी तरफ से कोर्ट के अंदर ये केस चला। क्या कुछ पूरा मैटर है दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है पहले एक बार नाम बता दीजिए और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है क्या पूरा मसला एक बार बताइए जरा। सत्यनारायण नाम है मेरा गांव सेरा है और ये कोर्ट के भी कागज हैं वीडियो की रिपोर्ट है वीडियो की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो रहा है लेकिन वो फैसले को अब वीडियो ही नहीं मान रहा है टा नहीं रहा है बार बार सीएम इंडो में लगाया था। मसला बताइए मसले पे आ जाइए क्या कौन सी जमीन है क्या कुछ मुद्दा है पूरा पहले एक बार वो बता दीजिए फिर कोर्ट पे बात आ जाते हैं कि कोर्ट का क्या मामला रहा। जनवरी 2016 में जब पंचायत के इलेक्शन थे कब्जे कर लिया था इस जगह पे तो लोगों ने शिकायत डाली थी वीडियो को दी डीसी को दी फिर सीएम इंडो में दी फिर नई पंचायत बन गई थी पंचायत ने कोर्ट में केस दर्ज करा दिया था। पंचायत ने करवाया आप लोगों ने करवाया ने करवाया था और एक साथी मारे यहीं से वो पार्टी बन गया था उसमें तो कोर्ट का डिसीजन आ गया कोर्ट के ने आदेश कर दिए वीडियो को कि अपनी मौका की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करके खाली करके पंचायत के सुपुर्द कर दे। उसके बाद फैसला कब आया ये 2018 का है मेरे ख्याल ये 26/6/2018 का ये आदेश लिखे हैं ये बेदखल कर दिया मौका रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद कार्रवाई करी नहीं वीडियो ने फिर बंदे यो अपील में चले गए डीसी के डीसी ने यो अपील खारिज कर दी ये खारिज कर दी थी फैसले की दूसरा पक्ष गया दूसरा पक्ष गया था हारने वाला पक्ष ये 20/11 डीसी कोर्ट के डॉक्यूमेंट है न्यायालय जो सुमेधा कटारिया थी IAS हाँ जी हाँ जी तो वहाँ से भी खारिज हो गया। उसके बाद ये पंचायत ने ये अपना रेजुलेशन बना के दे दिया पंचायत ने प्रस्ताव करके दे दिया है वीडियो को कि यो कब्जा खाली करवाने के लिए मजिस्ट्रेट की पुलिस की सहायता हमारे को दी जावे। उसके बाद मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हो गया था ये मजिस्ट्रेट की उसने लिखी थी वीडियो ने ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हो गए थे लेकिन यहाँ कोई वीडियो नहीं आया कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया। एक बार JCB भेजी थी JCB को इस कब्जे वाले ने अपने हिसाब से जितना जी करा उतना हटवा के बेच दिया था उसके पैसे वीडियो ने दिए कि इसने दिए उसका हमारे को कोई पता नहीं। उसके बाद फिर हम सीएम इंडो में चले गए सीएम इंडो में DDPO ने ये बंद करवा दी कह के कि भाई ये कब्जा हटा दिया गया है और कब्जा यूं का यूं था तो उसने सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर भेज दिया सेक्रेटरी से रिपोर्ट बनवा के। तो फिर हमने दूसरी बार सीएम इंडो में लगा दी दूसरी बार सीएम इंडो में DDPO का रिपोर्ट हुई DDPO ने वीडियो को लिख दिया वीडियो ने फिर रिपोर्ट भेज दी वीडियो की रिपोर्ट देख के DDPO ने लिखा है कि भाई आप गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं जो आपने मौके की रिपोर्ट कोर्ट में दी थी उसी के आधार पर कब्जा कार्रवाई करके अटैक है और फिर रिपोर्ट करो फिर दोबारा भेज दी दोबारा भी उसने ऐसे ही गोल मोड़ रिपोर्ट कर दी। फिर DDPO ने दोबारा लिखा उसको कि पिलर हटवाया जाने पर उसकी घर की छत को नुकसान जो हो सकता है जो लिख रखे आपने इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप कब्जाधारी के फेवर में ही बात कर रहे हो। ये किसको लिखा है वीडियो को DDPO ने DDPO ने और आप कब्जा हटा के तुरंत और वो रिपोर्ट करें लेकिन वो रिपोर्ट कर नहीं रहे। उसके बाद उन वीडियो की बदली होगी दूसरे वीडियो साहब आ गए
फिर वो वीडियो साहब अब एक दिन मौका देखने आए भी थे, मौका देख के भी वो मतलब यहाँ का मौका ही नहीं देखना चाह रहे थे, इधर उधर का देख रहे। जब सारी चीजें देखिए, आप कोर्ट में केस जीत चुके हैं, सारी चीजें हैं फेवर में, आप बता रहे कि भाई ऑर्डर तक कर दिया, क्यों नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है उनको? वीडियो ही को कोई मजबूरी हो तो वीडियो ही बता पाएंगे जी, उनको क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर पा रहे वो काम? यो हम तो कह रहे हैं कागज के आधार पर, जो आपके कागज हैं आप कोर्ट में, कोर्ट में पार्टी कौन बना था, आप बने थे या पंचायत बनी? पंचायत ने तो केस डाला था और कृष्ण पार्टी बना था, साथी है हमारा यही, आज नहीं है वो मौके पे, गया काम से, तो वो पार्टी बना था। ये बंदे सिविल कोर्ट में भी गए थे सटे के लिए, ये सिविल कोर्ट का भी डिसीजन है, वहां से इनको खारिज कर दिया था, फिर ये लोअर से गए सेशन में, सेशन कोर्ट ने भी इनको खारिज कर दिया। ये काम पंचायत का, देखिए श्रीमान जी, काम पंचायत का है, पंचायत जब चाहे इसको खाली करवा सकती है, आप क्यों पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? मैं नहीं ले रहा हूँ, ये सारे साथी ले रहे, पूछो भाई, मैं ले रहा हूँ भाई, ये औरों से भी पूछो, लेकिन मैं भी तो यहाँ का बसिंदा हूँ, मेरी भी जरूरत की चीज है ये, मेरे भी काम आओगी, जगह खाली हो जाएगी, कोई ब्याह शादी में, फंक्शन में, गाड़ी खड़ी करने में, इसीलिए मैं भी गांव का नागरिक हूँ, मैं इसलिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ। जगह किस चीज की है ये? पंचायती कुएं के कमी थी, कुआ था यहाँ पे, कुआ बंद कर दिया था कि कुएं का तो यूज नहीं रह गया, पार्किंग के यूज में आ जाएगी जगह। ऐसा तो नहीं भाई, चलो पड़ोसी है एक दूसरे के, भाई उसी की रंजिश तो नहीं है कुछ? नहीं, पड़ोसी की कोई रंजिश नहीं भारी, किसी की भी कोई रंजिश नहीं है ऐसा, क्यों रंजिश होगी? पड़ोसी की तो पड़ोसी से फायदा होता है, रंजिश का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए श्रीमान जी, कितनी इनकी बातों में सच्चाई है और क्या वाकई यहाँ पर कुछ है? हालांकि कागजात इन्होंने दिखाए हैं, दूसरी तरफ से भी गए थे, कोर्ट में भी गए थे, और क्या लगता है भी ये जगह पंचायती है, लोगों के काम आनी चाहिए या आती है? नहीं, लोगों के काम आनी चाहिए, पहले भी यूज करते थे सभी लोग यहाँ पे, जो कटरेले थामते थे, जैसे भी सीजन में जीडी की यहाँ भी बुग्गे भी थमे थे, सारा ये चौक था। जब बनाया जब क्यों नहीं विरोध किया आप लोगों? विरोध किया था तो अभी इन्होंने फिर अपना मट्टी डाल के सरपंच ने अपना ठेक केस कर दिया, इस पर रायत ने पिलर डाले थे, रायत ने ही लंटर लगाया था, बोले कि चौकीदार है, चौकीदार हमने रायत ने भेजा, जो सरपंच था मौजूद, रोहतास सरपंच था, रायत ने काम किया, इन्हें रायत ने 12 बजे करे रोके भी है, वीडियो साहब भी आए हैं पहले भी, भाई तुम्हें अड़क ना तो गेट लगाएगा ना या कुछ करेगा, तो इन्हें धक्के कर रुक गया, मतलब इससे आगे नहीं बन रहे अभी? नहीं नहीं, आगे तो नहीं बने, तो पैट दिया, फिर जो हमने कार्रवाई करवाई इस पर, इसने पैट दिया, आधा पैट दिया, आधा करना फिर जोड़ दिया, ये दीवार भी काट दी इसने, ये भी पंचायत में निकल रही है दीवार, 4 इंच अलग से निकाल ली अपनी, इसने निकाल ली, मकान इसका वहाँ तक है, ये आगे तक दीवार निकाल रखी है। भाई देखिए, पंचायती हो जमीन या किसी की निजी जमीन हो, जमीन यही रखी रहेगी, क्या इस तरह से अड़ोसी पड़ोसी का या फिर गांव में इस तरह से टकराव ठीक है? लहूलुहान हो जाती है धरती, वैर विरोध भाईचारा खत्म हो जाता है, क्या समझते हैं आप बुजुर्ग होने के नाते, एक सीनियर? हम तो एक समझे हैं जी, जो ये पंचायत की जगह है तो सबके काम आनी चाहिए, एक आदमी के थोड़ा आनी चाहिए है, ये वो का हक मैं भी रोक लूंगा, फिर उरला भी रोक लेगा, मानो इस बात ना, तो फिर कह तो खाली सबके, फिर यहाँ भी रोक लेंगे नहीं तो फिर कति खत्म हो जाएगी, गली में रही फिर गली ने कौन और करेगा, हम भी जाकर गोबर फेंच लेंगे, बीच में जो सी बचेगी। अब बताइए दोस्त, मैं तो ये कहता हूँ, देखो आने जाने की जगह पिछले 6 साल से आने जाने वाले भी तंग हैं, सब लोग तंग हैं, प्रशासन से एक अपील है, जो भी कोर्ट के निर्देश है उसके अनुसार इस जगह को जिस तरह भी खाली करवा करके सही अच्छी तरह, गांव के बीच में देखो बहुत ही बद्दर लग रही है इस जगह, इसको अच्छी तरह से पक्का करवा करके आने जाने की जगह को सुचारू रूप से चालू किया जाए, ठीक है जी। पंचायत जी, चलिए दूसरा पक्ष भी हमारे साथ एक बार आना दोस्त, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं यहाँ गांव, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। सारे नु कह रहे कुएं की कमी है, कुआ का खड्डा है वहाँ पे एट प्रेजेंट, कुएं की कमी चुगुड़दा होंगी होगी भाई, एक तरफा तो नहीं होंगी, इवे नु कह रहे कुएं कमी ने दबा ली, मैंने दबा ली कर लेनी इनके हिसाब से, यो मकान मेरे चाचा पे तो ले रखे ने जी, मेरी सीधी इनको घोड़े तक है, तो मेरे चाचा ने मेरे तो फालतू कुकर मिल जाएगा भाई। एक बात एक मैं दिखाऊंगा एक बार, ये मुद्दा है इस चबूतरे का, जो इन्होंने यहां तक, एक बार मैं साथी से कहूंगा दिखाएं, यहां से और वहां तक था ये पूरा का पूरा, लेकिन जब जो ऑब्जेक्शन आया तो आधा खुद अपनी मर्जी से इन्होंने उखाड़ा इसको, और उसके बाद में गांव के जो लोगों का ये आरोप है कि भाई यहां से लेकर के इसको पूरा का पूरा वहां तक हटा दिया जाए, लेकिन दूसरे पक्ष का
ये भी आरोप है कि जब ये जमीन यहां तक है तो इससे आगे उनके अंकल का है, ये उससे आगे क्यों नहीं खाली कर रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई इनका भी सीधे सीधे तौर पर कहना कि भाई ये भी अवैध कब्जा किए हुए, नजायज कब्जा किए हुए। आप ये कह रहे हो ना कि भाई इससे इस... तो सारा अवैध में बन रहा है, जो चबारा है पूरा मकान अवैध में है। मेरे भाई पता मतलब चाचा पे तो मकान ले रहा है, यो आगे बढ़ा जी भी तो रोड़ा होया हुआ। दूसरी बात ये कह रहे हैं भाई गली का रास्ता रोक लेंगे, गली तो पहले ही दबा रखी अंदर, जिबे तो कुआं मुंदा था, कुएं में गली की जगह ही नहीं छोड़ी तो कुआं बंद कराया था इन्हें। कुआं इस टाइम गली के बीच में खड्डा है, खड्डा खुलवा के देख लो, कोई मौके का वो कर लो, कुएं की चुगुर देख कैमी माप लो, अगर कैमी मेरा घर आंदो हमें पैट दूंगा घर। आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ दोस्त, अपना नाम बता दो एक बार। राहुल नाम है। राहुल भाई ये बताइए, ठीक आपने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई इनका भी जो है पंचायती जमीन पे अवैध कब्जा है, बिल्कुल है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े कि भी मैंने कोर्ट में गया मैं और हम लोगों ने केस जीत लिया, सारी चीजें ठीक है। आप कानून का रास्ता, कानून का रास्ता, आप कानून का रास्ता है केस कह रहे हैं। जो नजायज जगह थी मेरी, इसकी सीट थी, पिल्लर से आगे नजायज थी, सीसी गली थी, पड़वा दी मेरी वीडियो साहब ने पाट दी। अब वक्त है कच्ची जगह मेरी, अगर सीसी की एक ईंट भी हो ना अंदर, खुदाई करके देख लो। मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कह रहा हूँ कि आप भी कानून के रास्ते तैयार करते, कोर्ट में जाते भाई इनका भी उखाड़ो। मैं बताऊंगा यार किसी के लम्बने की जरूरत लग रही है, कुएं की जगह मैं प्लो बहस करो, अगर मेरे घर मत आओगी मैं छोड़ दूंगा जी, मेरी जगह है यार, मैं कुकर पैट दूंगा किसी के गए पे। पंचायत आओ, कुएं की कैमी मापो, जो भी कुएं की कैमी में अगर जगह आओगी तो हम छोड़ने तैयार है, और किसी की आओ तो दूसरे भी छोड़ियो, पड़ोसी तो सारे ही दबारे हो गए जगह। अगर मैं अकेला हूं इस कुएं का मालिक है, कुएं की जगह तो बहुत हो है चुगुर्दा को, बिल्कुल तुम्हारे गली कड़ा सोनू, तू कुएं का खड्डा खोद कर गली मैप ले, तेरे घर में नहीं आवे तो मैं गारंटी दे। आप कोर्ट में गए, आप इस मामले में कोर्ट में गए? भाई कोर्ट में गए हैं, सीओ की उस पर हो रहा है जो भी हो रहा है कोर्ट में, तो मेरा चंडीगढ़ भी केस पड़ा भाई इसी मामले को लेकर। इसी मामले का मैंने कीमत भर रखी जगह की, जो ये सीध है ना, मैंने इसकी कीमत भर रखी है कोर्ट में। आप ये चाह रहे हो भाई ये जगह मुझे मिल जाए, पंचायत पैसे दे दूंगा मैं? मैंने पैसे भर दिए कोर्ट में मेरे भाई, डिसीजन आना है या मेरे पैसे आएंगे या मेरी जगह आओगी, ठीक है ना। तो मैं तो राम, आप ये पंचायत से जमीन खरीदना चाह रहे हो? जो नजायज कब्जे की थी ना, मैंने उस खरीदने के उसमें कीमत भरवा ली मेरे पास। समझ गया, खरीद ही ले ना एक तौर पे, भी आप अपनी कीमत बताइए पंचायती जमीन को, जो पंचायत सरकार निर्धारित करेगी जिस रेट पे करेगी मैं खरीदने को तैयार। हाँ फिर वो तो कर ली भाई, दे दी वो हमने कीमत भर दी कोर्ट में, उस तक है मतलब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो दोनों पक्ष आपने सुने हैं यहाँ पर। और अब बीडीपीओ कार्यालय बीडीओ से या फिर डीडीपीओ से इस मामले में उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।